हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो साथियों, आज मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर लेकर आया हूं। अगर आप हरियाणा पुलिस में लगना चाहते हैं, अगर आप हरियाणा पुलिस में जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। जी हां साथियों, अगर आप हरियाणा में पुलिस की वैकेंसी की वेट कर रहे थे, तो आज आपके लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। अभी हरियाणा में 6400 न्यू वैकेंसी निकली है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। तो साथियों, आज ये नोटिफिकेशन आया, तो मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। तो साथियों, वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले जो ये नोटिस आया है, ये नोटिस कब आया है, 9/6/2019 को ये नोटिस आया है। इसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, वो कब से हुए हैं, 12/6/2019 से, मतलब 12 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 26/6/2019 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और 28/6/2019 तक लास्ट डेट है फी सबमिट करने की। तो साथियों, इसमें मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब होगा या जो भी सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगा, तो वीडियो आप पूरा देखिए। इसके बाद साथियों, इसमें जो भी डिटेल है, हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसीज जो खट्टर सरकार है निकालती आ रही है, तो अभी एक अच्छी खबर है जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे। तो साथियों, अभी आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है जो कैटेगरी वन है, कैटेगरी नंबर वन, इसमें क्या है कि 5000 मेल कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इसमें, तो जनरल की इसमें 1800 है, एससी की 900 है, बीसी ए की 700 है, बीसी बी की 400 है, ईडब्ल्यूएस की इसमें 500 है, ईएसएम जनरल 350 है, ईएसएम एससी 100 है, ईएसएम बीसी ए 100 है, ईएसएम बीसी बी 150 है। इसके बाद साथियों, इस पे जो फीमेल कांस्टेबल हैं उनकी वैकेंसी कितनी है, 1000 है, लगभग जितनी पहले निकली थी उसी टाइप से इसमें वैकेंसीज हैं। तो इसमें कितनी है, जनरल की 360 है, एससी की 180 है, बीसी ए की 140 है, बीसी बी की 80 है, ईडब्ल्यूएस इसमें 100 है, ईएसएम जनरल 70 है, ईएसएम एससी इसमें 20 है, ईएसएम बीसी ए 20 है, ईएसएम बीसी बी इसमें 30 हैं। इसके बाद साथियों, जो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन वही 12th चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका मतलब 10th में आपके पास हिंदी और संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और हरियाणा से हैं तो आपके पास ज़रूर ये मतलब सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद जो हाइट वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो हाइट कितनी चाहिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं है तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, मेल कांस्टेबल के लिए आप देख रहे हैं, तो 168 चाहिए। चेस्ट कितनी होनी चाहिए, जनरल के लिए 83 वैसे होनी चाहिए और 87 फुलाव के साथ होनी चाहिए, मतलब 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी 81 तो वैसे होनी चाहिए और 85 फुलाव के साथ होनी चाहिए। और फीमेल की अगर हम बात करें तो 158 हाइट होनी चाहिए, 158 सेंटीमीटर, मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, 158 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब होनी चाहिए, और 156 तब होनी चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप आगे देख लीजिए, जो आयु सीमा है 18 से 25 साल तक है, और आयु सीमा की जो गणना होगी वो कब होगी, 1/6/2019, मतलब 1/6/2019 को आयु सीमा की गणना की जाएगी। अगर आप मतलब ज़्यादा हो गए हैं 1/6/2019 को, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। और 5 साल की जो इसमें छूट दी जाती है, जो आपके मतलब रिजर्व कैटेगरीज हैं या जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको जिस हिसाब से छूट दी जाती है आपको पता होगा, तो उस हिसाब से छूट मिलेगी। इसके बाद साथियों, आगे देखते हैं जो 400 इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वो भी देखते हैं अभी हम। तो इसमें मेल जो कांस्टेबल है सब इंस्पेक्टर, सॉरी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, तो जनरल इसमें 144 हैं, एससी 72 हैं, बीसीए 56 हैं, बीसी बी 32 हैं, ईडब्ल्यूएस 40 हैं, ईएसएम जनरल 28 हैं, ईएसएम एससी 8 हैं, ईएसएम बीसीए 8 हैं, ईएसएम बीसीबी इसमें 12 हैं। इसके बाद साथियों, जो ग्रेजुएशन इसमें होनी चाहिए आपको पता होगा, और इसमें 10th क्लास में मतलब हिंदी और संस्कृत आपके पास होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि हाइट वगैरह कितनी चाहिए इसमें। तो हाइट साथियों, इसमें 170 सेंटीमीटर जनरल के लिए और 168 रिजर्व जो कैटेगरीज हैं उनके लिए, और इसके बाद जो इसमें
फुलाव मांगा है, मतलब जो चेस्ट वगैरह है, तो इसमें 83 सेंटीमीटर इसमें चेस्ट चाहिए और 81 इसमें चाहिए। तो इसमें 4 सेंटीमीटर का आपको मतलब फुलाव भी होना चाहिए, मतलब जो जनरल है उनके 83 और जो जनरल मतलब रिजर्व कैटेगरी से है 81 होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव होना चाहिए। और इसमें हम बात करें आयु सीमा की, तो 21 से 27 साल की आपकी मतलब एज होनी चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको छूट मिलेगी। और आयु सीमा की गणना इसमें भी 1/6/2019 को होगी और इसमें जो छूट वगैरह मिलेगी वो आपको पता होगा पूरा, 5 साल की जो रिजर्व कैटेगरीज है, हालांकि जो SC है उनको ये छूट दी जाएगी। इसके बाद साथियों अभी हम और देखते हैं इसमें जो एग्ज़ाम फी है उसके बारे में बात करते हैं। कैटेगरी एक और दो आपको पता होगा, मेल के लिए कैटेगरी एक है, फीमेल वाली जो कैटेगरी है वो दो है। तो 100 रुपीज़ इसमें जो चार्ज होगा वो मेल के लिए होगा और फीमेल के लिए इसमें मतलब हरियाणा की जो रेजिडेंट है 50 होगा। और कैटेगरी नंबर टू मतलब जो सब इंस्पेक्टर है 150 होगा और 75 इसमें फीमेल के लिए होगा। और SC BC जो SC BC EWS कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, उनके लिए फ़ीस होगी मेल के लिए 25 और फीमेल के लिए 13 रुपये, मतलब दोनों के लिए। और जो एक्स सर्विसमैन है हरियाणा के, उनके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इसमें जो टेस्ट होगा वो आपको पता होगा, टेस्ट इसमें मतलब 80 नंबर का टेस्ट होगा, 0.80 की इसमें मार्किंग होगी और आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे आपने पहले दिया था उसी हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। और इसके बाद जो मतलब चीज़ें होंगी क्या क्या हम पढ़ें वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में सारा बता दूंगा, हालांकि वही चीज़ें होंगी जो मतलब पहले आप लोगों ने पढ़ी थी, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री और जनरल स्टडीज़ वगैरह, जनरल साइंस वगैरह, करेंट अफेयर्स वगैरह, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, नंबरिकल एबिलिटीज़ वगैरह, सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता दूंगा। और इसमें जो रनिंग होगी साथियों, 7 गुना कैंडिडेट्स को इसमें बुलाया जाएगा। तो इसमें मेल के लिए जो रनिंग होगी 2.5 किलोमीटर होगी 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर होगी 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर होगी 5 मिनट में। इसके बाद साथियों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आपको इसमें पता होगा कितने कितने मार्क्स की आपको जैसे छूट वगैरह, सॉरी मतलब कितने कितने मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे क्योंकि 80 नंबर का टेस्ट है। इसके बाद इसमें जो और चीज़ें होंगी, कांस्टेबल के लिए क्या इसमें 7 नंबर का अलग से वो रख रखा है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, तो इसमें आपको 7 नंबर अलग से मिलेंगे जैसा पहले था। और सब इंस्पेक्टर में भी उसी टाइप से होगा। और मतलब इसके बाद अभी और देखते हम, NCC सर्टिफिकेट है जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे, मतलब ABC लेवल 1, 2, 3 मार्क्स मतलब इसमें दिए जाएंगे। इसके बाद 5 मार्क्स किस में दिए जाएंगे कि अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे घर में। इसके बाद 5 नंबर ऐसे दिए जाएंगे अगर कोई विडो है, या मतलब विडो आप समझ सकते हैं विधवा है, या मतलब किसी के जो मतलब द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, या तो मतलब पहले और दूसरे बच्चे के टाइम पे मतलब उनकी एज किसी की 42 ईयर्स थी, मतलब 42 साल से पहले उनकी डेथ हो गई, या मतलब किसी कोई बच्चा है उनके पेरेंट्स उसकी एज अगर 15 साल से पहले वो डेथ हो गई, मतलब बच्चा 15 साल का था और उससे पहले उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई मतलब फादर वगैरह, तो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। और 5 नंबर मिलेंगे विमुक्त जातीज या तपरीवास जातीज, इनके लिए होंगे। और इसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह के लिए 8 नंबर मिलेंगे। इसके बाद साथियों एक अच्छी खबर आपको मैं बता देता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है। एग्जामिनेशन की साथियों इसमें डेट दे दी है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा और कब होगा, 13/7/2019 से 18/8/2019 तक। हालांकि टाइम टेबल ये चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एग्ज़ाम आप समझ सकते हैं जुलाई और अगस्त में होंगे। जी हाँ साथियों बिल्कुल अच्छी खबर है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप समझ सकते हैं मुश्किल से आपके पास 1 महीना है
तो आप प्रिपरेशन में लग जाइए, बिल्कुल अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो साथियों ये अभी अपडेट है आप लोगों के लिए, अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रहते तो आप पूछ सकते हैं। और साथियों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ आई होंगी, इसके लिए स्टडी मटेरियल्स भी आपको जल्द से जल्द हम प्रोवाइड कराएंगे और साथियों सारी चीज़ें फ्री होंगी आप लोगों के लिए, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।